हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है मेरी यूट्यूब चैनल अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रैक्टिस। प्लीज वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। सो फ्रेंड्स, होप यू आर फिट एंड फाइन एंड स्टे होम स्टे सेफ। सो गाइस, अभी कल आपको जो लेक्चर दिया है उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे हम इज एम आर और हैज एम का यूज करते हैं। तो अभी थोड़ी सी मैं आपको पीछे का थोड़ा सा कैसे रिवाइज करवा के फिर आपको नेक्स्ट क्लास देते हैं। ओके, सो गाइस, मैंने आपको बताया था कि अगर काम चल रहा है उसके लिए जो टाइम वर्ड है हमारे पास वो है काम चल रहा है तो उसके लिए जो टाइम वर्ड है वो है इज एम आर, और अगर काम खत्म हो चुका है उसके लिए जो टाइम वर्ड है वो है हैज है। फर्क क्या है कि अगर काम चल रहा है तो वर्ब में या एक्शन में आईएनजी लग जाएगा, और अगर काम खत्म हो चुका है तो एक्शन में थर्ड फॉर्म लग जाएगी। जैसे मैं कह रहा हूं मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग, तुम खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग, वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, मोहन खेल रहा है, मोहन इज प्लेइंग, मैं खेल चुका, आई हैव played, तुम खेल चुके, you have played, क्या तुम खेल चुके, have you played, मैं नहीं खेल चुका, I have not played, वह खेल चुका, he has played। तो guys, hope कि आपको यहां तक clear है, is that clear? तो आपने जवाब देना है it is crystal clear कि हाँ भाई अच्छी तरह बात अच्छी तरह समझ में आ गई। तो guys अब थोड़ी आगे की बात करते हैं। तो गाइस, तो गाइस अभी बताया था आपको कि इज एम आर और हैज एम का क्या यूज है, बट पहले आपको बता चुका हूं फिर बता रहा हूं कि क्वेश्चंस हम अक्सर पूछते हैं, हम जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं मानव जाते हैं, हमारी बहुत ही बड़ी एक नेचुरली हैबिट है कि क्वेश्चंस पूछते हैं, और क्वेश्चन पूछने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है। अच्छी बात है, क्वेश्चन पूछने भी चाहिए, और इंग्लिश में क्वेश्चन पूछने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, और वो फार्मूला है टाइम वर्ड प्लस डूअर प्लस एक्शन। टाइम वर्ड समय शब्द, डूअर डू मैंने काम करना, और डूअर मैंने काम करने वाला। ठीक है, काम करने वाले तीन ही लोग होते हैं पूरी दुनिया में, मैं तुम वह, इससे ज्यादा हम बात करें हम तुम वो ये दैट एक अलग मैटर हो गया। ठीक है, वो आपको बाद में बताएंगे, हम फिलहाल हम तीन ले लेते हैं, मैं तुम वह डूअर आई यू ही। काम चल रहा है एक्शन में आई एन जी लग जाएगा, खत्म है एक्शन की थर्ड फॉर्म। फिलहाल आपको बात करते हैं कि काम चल रहा है टाइम वर्ड उसके लिए है इज एम आर। अब जैसे मैं कह रहा हूं मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग, तुम खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा, आई एम नॉट प्लेइंग, वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, क्या वह खेल रहा है, इज ही प्लेइंग। अब गाइस ये तो होगी प्रेजेंट की बात, इज एम आर लग रहा है आई एन जी आ जाएगा एक्शन में, बट ये तो यानी कि हमेशा काम चलता रहेगा, कभी ना कभी तो काम खत्म होता है ना, तो जहां पे काम खत्म हो चुका है आप नहीं पहुंचे और जस्ट तभी काम खत्म हो चुका है तो वहां पे लगता है हैज हैव, पता ही है गाइस आपको, तो वहां पे हम लगाते हैं हैज हैव, क्या लगाते हैं हैज और है, और डूअर क्या है काम करने वाला, वो कौन है, आई यू ही, मैं तुम वह, और काम खत्म हो चुका तो एक्शन की लगती है थर्ड फॉर्म, राइट। अब जैसे मैं लिख रहा हूं, आप आए आपने मुझसे पूछा, मैं आपको देख के लिखना छोड़ दिया मैंने, आप कहोगे सर क्या आप लिख चुके, मैं कहूंगा हाँ मैं लिख चुका। अब देखिए आपने क्वेश्चन पुट किया है, क्या आप लिख चुके, काम खत्म हो चुका है, अब आप तुम उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डूअर क्या है यू, क्या तुम लिख चुके, यू। ठीक है, और यू के साथ टाइम वर्ड क्या लगेगा, काम खत्म हो चुका है, हैव, क्या तुम लिख चुके, हैव यू, लिखने को हम बोलते हैं राइट, और राइट की थर्ड फॉर्म क्या है, रिटन, तो क्या तुम लिख चुके, हैव यू रिटन, और मैं अगर बोलता हूं कि मैं लिख चुका, आई हैव रिटन, मैं नहीं लिख चुका, अगर आप नेगेटिव जवाब देते हो, नेगेटिव आंसर देते हो, नेगेटिव सेंटेंस बोलते हो तो आ जाएगा नॉट, और जो नोट है हमेशा मैक्सिमम टाइम्स ये टाइम वर्ड के बाद आता है, चीज याद रखनी है आपने, आई हैव नॉट रिटन, वह लिख चुका, ही हैज रिटन, क्या वह लिख चुका,
अब देखिए मैं बोल रहा हूँ क्या वह लिख चुका, वह को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डूअर, ही के साथ टाइम क्या लगता है, काम खत्म हो चुका है, has है इसे, has, और राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, क्या वह लिख चुका, has he written, वह नहीं लिख चुका, he has not written, राम लिख चुका, राम has written, क्या राम लिख चुका। अब देखिए राम है नाम है तो थर्ड पर्सन ही है, तो आ जाएगा राम, और नाम के साथ हमेशा लगता है टाइम वर्ड has राम written, राम नहीं लिख चुका, राम has not written, is that clear, hope आपको ये क्लियर हो गया। ठीक है, जब भी कोई पूछता है इज दैट क्लियर तो आपने जवाब देना होता है इट इज क्रिस्टल क्लियर, की बात अच्छे से समझ आ गई। चलो कुछ आपको एक्शंस लेते हैं और उनकी प्रैक्टिस आपको करवाते हैं, राइट गाइस। कुछ एक्शंस पहले भी हुए हैं तो वो शायद आपके क्लियर हो, जैसे मेरे ख्याल से होप्स हो क्लियर, जैसे मैं पोछा लगा चुका, पोछा लगाने को हम बोलते हैं मॉप, थर्ड फॉर्म मॉप, ईडी लग जाएगा। ठीक है, जैसे मैं पोछा लगा चुका, आई हैव मॉप द फ्लोर, तुम पोछा लगा चुके, यू हैव मॉप द फ्लोर, क्या तुम पोछा लगा चुके, हैव यू मॉप द फ्लोर, मैं पोछा नहीं लगा चुका, आई हैव नॉट मॉप द फ्लोर, मैं आटा गूंथ चुका, आई हैव नीडेड द डो, तुम आटा गूंथ चुके, यू हैव नीडेड द डो, नीड की थर्ड फॉर्म नीडेड, ईडी लग जाएगा। राम आटा गूंथ चुका, राम हैज नीडेड द डो, मुकेश आटा गूंथ चुका, मुकेश हैज नीडेड द डो, इज दैट क्लियर, तो आप देना है इट इज क्रिस्टल क्लियर। ओके, जैसे बात करते कि बैलगाड़ी चलाना, राइड ऑक्स कार्ट, मैं बैलगाड़ी चला चुका, आई हैव रिडन ऑक्स कार्ट, तुम चला चुके, यू हैव रिडन ऑक्स कार्ट, मुकेश गाड़ी चला चुका, मुकेश हैज रिडन ऑक्स कार्ट, दिनेश गाड़ी चला चुका, दिनेश हैज रिडन ऑक्स कार्ट, क्या दिनेश गाड़ी चला चुका, हैज दिनेश रिडन ऑक्स कार्ट, दिनेश गाड़ी नहीं चला चुका, दिनेश हैज नॉट रिडन ऑक्स कार्ट, और दिनेश गाड़ी चला रहा है, काम चल रहा है, दिनेश इज राइडिंग ऑक्स कार्ट, क्या दिनेश गाड़ी चला रहा है, काम चल रहा है, तो क्या आएगा उसके लिए दिनेश के साथ, इस लग जाएगा इज दिनेश राइडिंग ऑक्स कार्ट, दिनेश गाड़ी नहीं चला रहा, दिनेश इज नॉट राइडिंग ऑक्स कार्ट, मैं गाड़ी चला चुका, काम खत्म हो चुका है, आई हैव रिडन ऑक्स कार्ट, इज इट क्लियर गाइस। ओके, ड्राइव रैश का मतलब होता है रफ ड्राइविंग करना, बहुत से लोग इसे ड्राइव रफ भी बोलते हैं, वो भी ठीक है, बट आप इस कीजिए ड्राइव रैश होता है घटिया तरीके से ड्राइविंग करना, बेकार तरीके से गाड़ी चलाना। अगर आप अक्सर स्कूल बसेस देखते हैं, स्कूल बसेस के पीछे लिखा होता है इफ यू फाउंड ड्राइविंग रैश प्लीज कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर, अगर आपको इसकी ड्राइविंग घटिया लगे ड्राइवर की तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके वार्न करो, ठीक है, या इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके उसकी कंप्लेंट करो। तो ड्राइव रैश होता है घटिया गाड़ी चलाना, चलाते हैं ना सर लोग गाड़ी, पांच छह बाइक्स पे ऐसा होता है कि पांच पांच लड़के ही बैठ जाते हैं और बड़े गलत तरीके से गाड़ी चलाते हैं, बड़ा ओवर स्पीड, तो उसको बोलते हैं ड्राइव रैश। अब जैसे मैं कह रहा हूँ मैं गाड़ी चला रहा हूँ, काम चल रहा है, आई एम ड्राइविंग रैश, तुम गाड़ी चला रहे हो, यू आर ड्राइविंग रैश, क्या तुम गाड़ी चला रहे हो, आर यू ड्राइविंग रैश, मैं गाड़ी नहीं चला चुका, मैं गाड़ी घटिया तरीके से नहीं चला चुका, आई हैव आज का काम खत्म हो चुका है ना, आई हैव नॉट ड्राइव की थर्ड फॉर्म है ड्रीवन, आई हैव नॉट ड्रीवन रैश, तुम घटिया गाड़ी नहीं चला चुके, यू हैव नॉट ड्रीवन रैश, मैं चला चुका, आई हैव ड्रीवन रैश, तुम चला चुके, यू हैव ड्रीवन रैश, क्या तुम घटिया तरीके से गाड़ी चला चुके, हैव यू ड्रीवन रैश, मैं नहीं चला चुका, आई हैव नॉट ड्रीवन रैश, राम चला चुका, राम हैज ड्रीवन रैश, मुकेश चला चुका, मुकेश हैज ड्रीवन रैश। बस नेक्स्ट है ड्राइव कॉशियसली, ड्राइव कॉशियसली है गाइस, प्यार से गाड़ी चलाना, बड़े प्यार से बड़ी सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाते हैं ना सर लोग, तो उसे बोलते हैं ड्राइव कॉशियसली, तो मैं गाड़ी प्यार से चला चुका, आई हैव ड्रिवन कॉशियसली, तुम चला चुके, यू हैव ड्रिवन कॉशियसली, क्या तुम सावधानी पूर्वक गाड़ी चला चुके, हैव यू ड्रिवन कॉशियसली, मैं नहीं चला चुका, आई हैव नॉट ड्रिवन कॉशियसली, मुकेश गाड़ी प्यार से चला चुका, मुकेश हैज ड्रिवन कॉशियसली, इज दैट क्लियर, क्लियर है यहां तक। ओके,
तो आपने जवाब देना है इट इज क्रिस्टल क्लियर। नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं, नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास टाइटल। क्या है टाइटल? बोलिए टाइटल नहीं टाइटल, टाइटल 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 मैन मीन्स होता है गाइस चुगली करना, जिसे अक्सर लोग बैक बाइटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो टाइटल मैन होता है चुगली करना, करते हैं ना अक्सर लोग चुगली करते हैं आपस में, दो बंदे मिलकर किसी थर्ड पर्सन की चुगली करते हैं और चुगली से अक्सर बहुत ही आत्मसुख की प्राप्ति होती है आदमी को बाद में। ठीक है ना, तो उसे बोलते हैं टैटर, राइट। जैसे मैं कह रहा हूं कि मैं चुगली कर रहा हूं, आई एम टैटलिंग, आई एन जी लग्जरी वर्ब, मैं कर चुका, आई हैव टैटल्ड, डी लग्जरी थर्ड फॉर्म, आई हैव टैटल्ड, तुम कर चुके, यू हैव टैटल्ड, वह कर चुका, ही हैज टैटल्ड, क्या वह कर चुका, हैज ही टैटल्ड, वह नहीं कर चुका, He has not tattled. मोहन कर चुका, मोहन has tattled. दिनेश कर चुका, दिनेश has tattled. क्या दिनेश कर चुका, has दिनेश tattled. दिनेश नहीं कर चुका, दिनेश has not tattled. Boast. Boast. B-O-A-S-T. Boast. Guys, boast होता है शेकी मारना। अक्सर लोग शेकी करते हैं ना, बहुत फेंक फेंक के मारते हैं, शेकी पकारते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं boast. जैसे मैं कह रहा हूं मैं शेकी मार रहा हूं, आई एम बोस्टिंग, तुम कर रहे हो, यू आर बोस्टिंग, और मैं कर चुका, आई हैव थर्ड फॉर्म आईडी कर चुका, आई हैव बोस्टेड, तुम कर चुके, यू हैव बोस्टेड, क्या तुम कर चुके, हैव यू बोस्टेड, मैं नहीं कर चुका, आई हैव नॉट बोस्टेड, राम कर चुका, राम हैज बोस्टेड, क्या राम कर चुका, हैज राम बोस्टेड, राम नहीं कर चुका, राम हैज नॉट बोस्टेड। इज दैट क्लियर गाइस? ये था हमारा आज का लेक्चर, होप आपको अच्छा लगा, आपको समझ आया। अगर गाइस आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के छोड़ सकते हो, हम आपको कॉन्टेक्ट करेंगे, अगर कुछ भी आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। तो गाइस होप आपको लेक्चर अच्छा लगा, सो प्लीज ऑनलाइन मीन का यूज कीजिए, घरों से बाहर मत निकलिए, स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू।